Janab, Janab, welcome to Time Out with Ehsan Khan. I hope everyone is great, doing well, sab theek thaak hai, kyunki yahan pe sab zabardast hai. Aap logon ka behtareen feedback mila, main uska bahut shukrguzar hoon. I was not expecting ke itni jaldi itna zabardast feedback. Thank you very much, Janab. आपके फेवरेट और आपके पसंदीदा जो लोग हैं उनको हम यहां पे शामिल करते हैं ताकि आप लोग इस शो को कर सके एंजॉय. तो जनाब कहते ये हैं कि जिंदगी में हमेशा बड़ा सोचें, क्योंकि अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही होगा ना यार. मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिविटी लेके आए अपनी जिंदगी में. जैसे कि 40 साल पहले चांद पर गोल्फ खेला गया 71 में, कभी कोई इंसान सोच सकता था कि चांद पर गोल्फ खेला जाएगा? फिर रशियन स्पेस एजेंसी ने एक वीडियो रिलीज की कि जीरो ग्रेविटी में बैडमिंटन खेला गया. जस्ट इमेजिन गाइस, उसके लिए नए रूल्स बने. मतलब वी कैन डू एनीथिंग, सिर्फ मोटिवेशन डिटर्मिनेशन होना चाहिए. पाकिस्तान में भी बेहद टैलेंट है, जरूरत किस चीज की है? प्लेटफॉर्म्स की. हमारे मुल्क के खिलाड़ी ऐसे हैं, स्पेशली क्रिकेट के, इनफैक्ट हर स्पोर्ट में. लेकिन क्रिकेट की बात आज इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं मेरे और आपके फेवरेट क्रिकेटर्स. इन्होंने गली मोहल्लों में क्रिकेट का आगाज किया और दुनिया भर के लोगों के छक्के छुड़ा दिए. तो जनाब, वी आर गोना मीट दी सुपरस्टार्स जो मेरे और आपके पसंदीदा हैं. लेकिन हम इनसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. मेरे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान, आप देख रहे हैं. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी क्रिकेट की, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ क्रिकेट के बारे में आज होने वाला है. यहां कोई क्रिकेटर यहां पे मौजूद है? जनाब हम सेट के ऊपर बिल्कुल क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हम क्रिकेट देखेंगे या खेलेंगे ग्राउंड में. यहां पर हम बुलाएंगे अपने सुपरस्टार्स को. आज मेरा शो है वेरी स्पेशल बिकॉज आई हैव सम रियली बिग नेम्स. दे आर वंडरफुल पीपल, वंडरफुल प्लेयर्स. पाकिस्तान का नाम उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं जो हमेशा के लिए छप गए और उन रिकॉर्ड्स को कोई तोड़ नहीं पाएगा. आवर लेजेंडरी क्रिकेटर्स आज सेट पे मौजूद हैं. सबसे पहले वेलकम करेंगे द वन एंड ओनली मोइन खान. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है. प्लीज हैव अ सीट मोइन भाई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. Sir, my pleasure. Thank you. एक तो मैंने आपको ना टेलीविजन पे बातें करते हुए इंटरव्यू देते बहुत कम देखा है. तो मैं कम बोलता हूँ. खास वजह? कम गो. खास वजह इसकी? शादी के बाद से ऐसी हो गई. शादी के बाद से कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो जनाब आगे बढ़ेगी, अभी गपशप बड़ी होने वाली, मजे की, क्योंकि मेरे पास एक और लेजेंडरी क्रिकेटर मौजूद है यहाँ पे जो मेरे आपके हम सबके बहुत फेवरेट है. एंड ही इज नॉट ओनली क्रिकेटर, यू नो ही इज अ होस्ट, कमेंट्री जबरदस्त, ही इज अ मॉडल ऑल्सो. आपको ऑन एंड ऑफ हर किसी एड में नजर आते रहते हैं, हर जगह पे जहां जाते हैं छा जाते हैं. यहां तक के बहुत सी हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं इंटरनेशनल, वो भी उनकी दीवानी हो जाती हैं. आप समझ गए होंगे. लेट्स वेलकम वसीम अकरम. वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू एसन? ठीक ठाक. नॉट टू बैड, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो. थैंक यू, गुड टू बी हियर. मैं पिछले एक साल से वसीम भाई से राबते में, कई ऑन एंड ऑफ मैसेज, वसीम भाई व्हेन आर यू कमिंग टू माय शो, एंड आई डिडंट नो कि टाइम आउट विद एहसन खान की किस्मत जागेगी जब मेरे पास इतने बड़े दो लेजेंडरी स्टार्स मौजूद होंगे. जनाब इन्होंने कहा कि मैं बोलना कम कर गया शादी के बाद, मुझे लगा आप बोलना ज्यादा कर गए शादी के बाद, तो इज देयर अ डिफरेंस? या डेफिनेटली मैंने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया बिकॉज मेरी बीवी बड़ा बोलती है, सो मुझे उसका मुकाबला करना पड़ता है साथ में. बैलेंस आउट करना पड़ता है. शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी वॉन्ट्स टू बी आउट एंड अबाउट,
and I want to relax sometimes. तो वहाँ पे तुझे पता है फिर मुकाबला करना पड़ता है. अच्छा एक चीज जो हमेशा हमारी फील्ड में, मेरी फील्ड में, in acting, in films and your field also, कुछ क्रिकेटर्स या कुछ एक्टर्स या कुछ लोग जो जिनका नाम बहुत ऊपर भी निकल आता है, हालांकि everybody tries to perform well, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनका काम तो याद रहते हैं but they're not there. So did you work for this, Moin bhai, कि आपका जैसे आज भी हम आपकी एकेडमी है या कोई भी आपकी बहुत सी लोग डिस्कस करते हैं, what's the difference कि आप स्टैंड आउट कर रहे हैं दूसरों से? ऐसा टू बी ऑनेस्ट, एक डेली जुस्तजू होती है, कोशिश होती है कि कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ करते रहना, यू नो. एंड दिस इज द टाइम वेयर आई बिलीव के दिस इज टाइम टू पे बैक टू द कंट्री, यू नो. सो दैट्स व्हाई आई ओपन अप माय एकेडमी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करता रहूँ. इवेंट्स भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, यू नो. सो बट यही एक ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है. अचीवमेंट तो हमने अपने क्रिकेटिंग दौर में काफ़ी कर ली. आई मीन कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के आए, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन था हमारे करियर का. लेकिन उसके बाद काफ़ी क्रिकेट खेली, बट मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब क्रिकेट हमने छोड़ी तो हम लोगों का फ़र्ज़ है, एज अ क्रिकेटर कह लें या एज अ पाकिस्तानी कह लें, कि कुछ पे बैक करना है कंट्री को. दैट्स वाई ये एकेडमी छोड़ी, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हम लोग नजर आते रहते हैं. ये तो रटा हुआ जवाब दे रहा है मोइन, जिसने रात को सोचा होगा एसएन ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका ये जवाब दूंगा. बट आई सपोज मेरी डिफरेंट मंत्रा है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग. अपने आप कुछ नहीं होता. अब मुझे रिटायर हुए हुए ऑलमोस्ट, मैं 2003 में रिटायर हुआ था, अब तो ये भी नहीं पता कितना साल हो गए हैं, वो 16 years. सो आई एम स्टिल जो भी मैं हूँ, वट एवर आई एम, आई जो सेट मॉडल हूँ, जे हूँ, उसके लिए गॉट लुक द पार्ट एंड यू गॉट डू इवॉल्व योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम. 21वीं सदी आ गई है अब, यंगस्टर्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल. आप कहना चाह रहे मोइन भाई मतलब मॉडल मॉडलिंग नहीं कर सकते और उस तरह के नहीं है? ये मैंने नहीं भाई ऐसे कह रहे हैं. I didn't say that. But मोइन भाई ये जरा बड़ा फर्क पड़ता है, एक जब लुक जो आती है ना, ये वसीम भाई के जब खेलते हुए बाल उड़ना, लंबे लंबे बाल, ये ना कर और बालों की बात है, आदमी यू नो, और लड़कियां वड़कियां वैसे ही, मतलब जब सामने ऑडियंस बैठी तो कुछ फील होता है कि यार इसका पहले एक छोटा सा जवाब मुझसे ले लें. वकार और वसीम भाई के लिए हमारी टीम में जो टीममेट्स थे वो ये कहते थे इनसे तेज बॉलिंग करवानी है तो स्क्रीन के पास ना दो लड़कियों को बिठा दो, खुद बा खुद पेस तेज हो जाएगी. ये सही है. एब्सोल्युटली. माय गॉड, अगर अगर हम कहेंगे या कोई भी कहेगा तेरे शो पे आके, कोई भी क्रिकेटर ये गलत है, तो वो झूठ बोल रहे हैं. ऑब्वियसली हमारी लड़ाई तो नहीं, हमारी आर्गुमेंट होती थी कि थर्ड मैन या फाइन लेग पे शारजा में राइट साइड पे कौन खड़ा होगा. एक तो वहां शेड था और दूसरी वहां पीछे सारी बड़ी रौनक लगी होती थी. तो उस रौनक से मतलब एक जान आती है कि मोटिवेशन आती है. कम ऑन, मोटिवेशन आती है यार, जब जवान हो आप, यू नो, 25 26, यू गेट मोटिवेटेड बाय द क्राउड, एंड ऑफ कोर्स अगर क्राउड हसीन हो तो ज्यादा होती है. बिल्कुल. अच्छा मोइन भाई, मुझे उनको देख के लगता है कि मोइन भाई जरा कभी नजर भी नहीं उठाते होंगे ऐसे. बड़ा मिसना है मोइन. नहीं नहीं सर, मुझे पर्पसली देखें, क्योंकि विकेट कीपर जो होता है विकेट के पीछे होता है, वो क्राउड से सबसे दूर होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर की नजर बहुत तेज थी. You know, we had some great times on cricket tours. He started, he was very young. I was very young. और बड़ा सीखे हैं, गलतियां भी बड़ी की हैं हमने. जाहिर है. But I think the best thing I can sum up के जो हमारी cricketing जो career गुजरे हैं, कि we also enjoyed ourselves off the field. Definitely. हम miserable नहीं रहे. But you think now times have changed a little bit for cricket? Now they're really miserable. But any specific reason? Security हो गई, फिर you know anti-corruption हो गई, अब वो नए लोगों को मिल नहीं सकते. Pressure एक है. Different ball game. Luckily अगर हम इस दौर में खेल रहे होते, बड़ा मुश्किल होना था. दो मैचों बाद बैन थे हम. ऐसी हो. Absolutely gone. उसकी कोई खास वजह क्यों? नहीं, लेट नाइट्स, बाहर निकलना टूर्स पे, यू नो, कर्फ्यू है तो कर्फ्यू तोड़कर चले जाना. There were no phone cameras, man. Now you get spotted everywhere, you know. Yeah. जहां जा रहे लोग आपके videos. Now you can't get away with anything. Very scary वैसे. Very very scary. मुझे बताएं कभी जैसे बॉल मिस हो गया, कैच छूट गया, तो ये कोई ऐसे, अक्सर हम क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं ऐसी आवाजें निकाल रहे होते हैं मुंह से, ये कभी तो गाली वाली होती है, ऑब्वियसली समझ भी आ रही थी, कभी नहीं ये कुछ ऐसा बोलते थे बार बार? आपके चैनल पे इजाजत है ऐसी? बिल्कुल इजाजत है, बताएं. बोल के बोल. यार मेरा नहीं ख्याल गया. नहीं, नहीं, तो है.
ऐसी ऐसी बातें बोली है मुझे, मैं तो इधर से सुन के इधर उड़ा देता था। मैं अगली गेंद मैं तो इतनी जान निकल जाती थी, अगली गेंद पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि दोबारा ना छूट जाए क्या। देखिए मुझे वकार को, इमरान भाई इवन, उसके बाद आई सपोज बाकी जो शुएब अख्तर टाइप सारे जो फास्ट बॉलर बड़े तेज आए हैं, बिल्कुल उनको स्लिप कॉर्डन से ना एक ही आवाज आती थी पंजाबी में, पाइन नजर नहीं आया सॉरी। दुनिया के लोग कैच पकड़े हैं एक हाथ से इधर से साडियां नु नजर नहीं सी आंदा यार। आपने एक मर्तबा मुझे याद है आपने कहीं ये भी बताया, विवियन रिचर्ड से आपकी कोई लड़ाई हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गया था बड़ा मेजरली। या स्टोरी बहुत दफा सुनाई है। अच्छा, बट या लॉट्स ऑफ टाइम। नहीं मतलब उसमें लड़ाई सीरियस हो गई थी, बाउंसर किया उसकी टोपी गिर गई, उसकी टोपी नहीं थी गिरती, मैं नया नया तेज हुआ, मुझे समझ आई कि मेरे पे पेस आ गई है। 88 की बात है, ये वेस्ट इंडीज टूर बारबाडोस टेस्ट, तो लास्ट ओवर था उसकी टोपी गिर गई, तो मैंने दो तीन उस वक्त गालियां आती थी इंग्लिश में, दो तीन इंग्लिश में वो समझ भी आ गई उसको, वेस्ट इंडियन को पंजाबी तो समझ आनी नहीं। सो मैंने उसको वो दो एक गालियां निकाल दी जो मुझे आती थी। अब उसने कहा डोंट अब्यूज एट मी मैन, फिर उसने थूक फेंकी एक साइड पे, जो उसका स्टाइल था इज बिग डूड यार, मैं स्किनी सा था बिल्कुल तब। और अगला बॉल किया वो आई थिंक बोल्ड हो गया, इनसाइड एज बोल्ड, लास्ट ओवर था दिन का, लास्ट बॉल थी, मैंने वो प्रॉपर उसको पूरा ड्रेसिंग रूम, फिर एक दो गालियां जो आती थी फिर दोबारा निकाल दी। उसने बाहर जाके मुझे ड्रेसिंग रूम में घुसा तो रूम अटेंडेंट कहता जी बाहर आ जाए, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, उसको उसकी समझ भी नहीं थी आती कि उनकी अंग्रेजी वेस्ट इंडियंस की, तो उन्होंने कहा दिस मैन इज देयर टू सी यू। सो मैं गया विव रिचर्ड बगैर कमीज के, पैड पहन कमीज उतार के पैड पहने हुए सारे, और बल्ला उसके हाथ में, and imagine his six pack and इतने बड़े होते डांडे। ये आप सोचो ये क्या यार पार्क, मैं अंदर लड़ने के लिए खड़ा हूँ, लड़ने के लिए, मारने के लिए लड़ना थोड़ी ज़्यादा ऐसी की तैसी जरूर देखूँ क्या। मैं उसको देख के मैं अंदर भाग गया वापस, मैं निकला नहीं, मैंने इमरान भाई कहा मैं कह जी वो बाहर मुझे मारेगा, तो मैंने कहा कप्तान है हमारा खान साहब, यू नो सिक्स पैक मस्कुलर, कहेगा कोई बात नहीं भाई वैज मैं लड़ता हूँ तुम्हारे लिए, वो कहते तेरी लड़ाई आप ही जाके लड़ बस जाके उससे माफी वाफी मांग ली मैंने, फिर पांव पकड़ लिया लिटरली, आई सेड इट विल नेवर हैपन अगेन एंड देन यू गाइस वर या वी आर गुड बडीज। अच्छा एक बात जो बहुत ज्यादा सवाल मैं लोगों ने, क्योंकि हमें फीडबैक भेजते हैं तो वो आपसे बड़ा एक, बिकॉज यू गाइस आर इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स आल्सो, फॉर द न्यू कमर्स, नॉट ओनली इन योर फील्ड जनरली भी आल्सो, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लाइक in a very humble way and then you came up and you're still there mashallah, to is tarah ke log Moin bhai aap bhi agree karenge ki कभी कभी पैदा होते हैं, यानी आप लोग जिस तरह के इतना नाम है अभी भी माशाल्लाह, स्टिल यू नो ही सेड ही इज रिटायर्ड बट ही स्टिल वर्किंग, ही इज एवरीवेयर, रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, फ्रॉम क्रिकेट या या नॉट फ्रॉम मॉडलिंग, नाउ ही इज लाइक अ मॉडल, यू सेलिंग, सो बाय द वे आई एम एंजॉयिंग दिस एरा, यू नो सेकंड इनिंग्स एज वी कॉल इट, रियली मच मोर। अच्छा व्हाई इज दैट? आई सपोज उसका टाइम था, आई एम ओवर दैट, वो एक मूव ऑन हो गया ना मैं जिंदगी में, डिफरेंट लकीली अल्लाह ताला का एहसान है कि आई मूव्ड ऑन, कि मैं क्रिकेटर था, नाउ आई एम व्हाटएवर आई एम नाउ, सो आई मूव्ड ऑन एंड आई एम एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ माय लाइफ। अच्छा आपने शुरू कैसे किया वसीम भाई, ये लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, हाउ डिड यू स्टार्ट? एनी किड जो आजकल के बच्चे सड़कों पे आप देखते हो संडे को बाहर गलियों में खेल रहे हैं, छत पे खेल रहे हैं, मैं भी वैसे ही था, हर स्पोर्ट खेली, हॉकी नहीं खेल पाया, लेफ्ट हैंडर था तो हॉकी आई थिंक लेफ्ट ही नहीं खेल पाते और समथिंग, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, बंटे, पंखे, ये उस जमाने की खास गेम्स है, अब तो मोबाइल से मोबाइल पे बच्चे, सारे मोबाइल पे, वाकई गैजेट से निकलते, किसी की तरफ दुख पे भी जाओ खुदा ना खास अफसोस के लिए भी तो आगे से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम पासवर्ड की है, एंड देन यू से यार बड़ा वाईफाई का पासवर्ड, बड़ा अफसोस हुआ आफ्टर द पासवर्ड, सुते सुते चले गए, सही बात है। अच्छा एंड देन यू प्लेड अ लॉट और फिर किस तरह से आगे बढ़े? बस आई थिंक उसके बाद एक लल्ला मियां ने चांस दिया, लक जावेद मियांदाद ने देखा, फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टोरी, बट आई गॉट पिक्ड अप फॉर पाकिस्तान टीम लकीली आउट ऑफ द ब्लू, देयर वाज नो सिस्टम नथिंग, उसके रस्ते में बड़े लोग आए जिन्होंने हेल्प की, मेरे कोच हैं साउथ खान जो अभी भी हैं लाहौर में कोचिंग करते हैं, फिर सदीक खान थे, ही इज नो मोर, चाचा शरीफ थे क्लब लुधियाना जिम खाना के, सो यू नो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, बट स्टेप बाय स्टेप आई डोंट नो, पेरेंट्स की दुआएं, नानी की दुआएं, एंड योर हार्ड वर्क आल्सो, मेहनत तो होती है, मेहनत की बात में अभी भी करते हैं मेहनत, बट मेहनत के बगैर नथिंग, यू कांट गेट शॉर्टकट, देयर नो शॉर्टकट्स, देयर इज नो रेसिपी फॉर सक्सेस, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, जो भी बुक पढ़ ले सक्सेसफुल बंदे की या किसी की, एंड ऑफ द डे
इट कम्स अप टू सिंपल फिलॉसफी, प्लान इट एंड वर्क हार्ड. वंडरफुल यार, क्या बात है. वसीम भाई और मोइन भाई, इतनी चॉइसेस होती हैं क्रिकेट के दौरान, आप योर स्टार्स एंड या लाइक हर कोई लेफ्ट राइट सेंटर लड़कियां चाहती हैं कि हमें ऑटोग्राफी मिल जाए, तस्वीर मिल जाए, कोई शादी हमसे कर ले. तो जब शादी का डिसीजन लेना था तो क्या किया था? शादी कर ली थी. नहीं मतलब खुद से डिसीजन लिया था, खुद से? Yeah, of course, yes. It was my decision. Okay. Love marriage हुई. How did you meet your like wife? एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी और वहीं से बस स्टार्ट हो गया. Was she your fan? Next, नहीं, friend की friend थी. फिर next year शादी हो गई थी. World Cup के फौरन बाद ही 93 में हमने शादी कर ली थी. जबरदस्त है, बहुत. देखिए आपके पास इतनी choices, ऐसे से नाम वसीम भाई से सोचा था ये कभी फैन से शादी नहीं करनी. That would have been so awkward. The also it sounds very weird ना, अगर कोई पूछे कि अच्छा फैन थी वो आपके, आपके हाँ मेरी फैन थी, मेरे शादी जाए बीवी आपके खाना पकाए, आप कहिए आपने वो गलत उस गेंद, वो आपने स्पेल में गेंद गलत की थी. You'll say all right, not working. बहुत से ऐसे लोग भी हैं वो, उन्होंने अपनी स्टूडेंट से शादियां की हुई हैं लोगों ने. बहुत से ऐसे लोग हैं. अच्छा, जिनको कंपैटिबिलिटी की बात है यार, कंपैटिबिलिटी की. वसीम भाई आपके पास इतनी चॉइसेस, मतलब बॉलीवुड और कहां कहां से, वैसे नाम जुड़े हुए साथ आ जाते हैं, अगर नहीं भी दोस्ती भी होती तो नाम जुड़ जाता है साथ. सुष्मिता सेन इतनी हम सुनते रहे आपके साथ, इतनी अच्छी वो दोस्त है आपकी. गुड फ्रेंड्स. या एंड शी इज ब्यूटीफुल. बट हाउ डिड यू लाइक फील के मुझे यहाँ पे शादी करो? उर्दू में खुल के बता देना, शनीरा को इतनी अच्छी उर्दू तो आती नहीं वैसे. बिलीव मी शी नोज उर्दू. मेरा ख्याल है बिलीव मी शी नोज उर्दू. इनकी बात पे अमल नहीं कर रहा, खुल के नहीं बता रहा. नहीं, आई सपोज यू कांट प्लान के मैंने इस लड़की से शादी करनी है, अनलेस यू नो अ पर्सन, स्पेशली एट माई एज. मैं अब 20 साल का छोरा तो नहीं ना हूँ. अब हमारे छोरों को तो शादी की जल्दी बड़ी जल्दी होती है. दो साल बाद कह देने यार अब क्या करूं. No, but then how compatibility, दोस्ती? I suppose when I married Huma, मेरी पहली शादी, not with us anymore in this world. वो तो शुरू में मिला था उसको, यहाँ पार्टी पे कराची मिला था. एंड देन आई थिंक वो 19 साल की थी, मैं 20 साल का था. और फिर वो कॉलेज गई UCL पढ़ने, मैं लैंकेशर खेलने गया. फिर वहाँ वी गॉट टुगेदर, वहाँ मिले, एंड देन वी गॉट मैरिड आफ्टर 2-3 ईयर्स. एंड शनीरा को आई मेट इन, दोनों बीवियों को क्रिकेट का बिल्कुल नहीं, शनीरा उस होमा को भी नहीं था पता. अच्छा, शनीरा हैज नो आईडिया अबाउट क्रिकेट एज वेल. अच्छा, इट्स अ गुड थिंग. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड टिप. या इट इज, आई अंडरस्टैंड. या जिससे भी शादी करो उसको, शी और ही शुड बी in love with you as a person. Yeah, not your work. Or बिल्कुल सही है जनाब. यहाँ पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. हमारा गेम का सेगमेंट तो बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि हमें नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना है. इतने जबरदस्त लोग हैं, इनसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर अगली गेम की तरफ चलेंगे. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और मुझे बहुत हंसी भी आ रही, खुशी हो रही कि वसीम भाई और मोइन भाई जो हैं, ये दोनों के हाथों में जो झटका लगने वाला एक सिलसिला है उसको देख के हंसी आ रही. लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बगैर किसी वजह के दोनों एक दूसरे को झटके लगवाते रहे. अच्छा वसीम भाई, मोइन भाई, वैसे तो जिंदगी में बहुत से झटके लगते, लेकिन कभी लाइक क्रिकेट खेलते हुए किसी सीनियर से झटके लगे हैं कभी, कि बहुत किसी ने डांटा हो? बहुत गालियां पड़ी हैं. जवानी बचपन. किससे ज्यादा आपको गालियां पड़ी हैं? इमरान भाई से काफी. मेरा भी एक ही वाकया, एक दफा इमरान भाई से पड़ी थी डांट. किस बात पे? वो गलती से मैंने बॉल उछाली है, आकिब के जाके सर पे लग गई, मेरी हंसी निकल गई. अब आप लोग जब सीनियर बन जाते हैं और फिर जूनियर्स को आप लोग भी मतलब डांट. पॉइंट से एक ही चीज सीखी है, जब जूनियर आए तो उन्होंने तुन के रखो.
ये जोक है. You don't look like. लगता नहीं मुझे. सबसे ज़्यादा मैंने जूनियर से प्यार किया. मेरे जितने जूनियर्स माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, आप मेरे से जरूर पूछिएगा. घबरा क्यों रहे हैं? नहीं घबरा. यार क्या यार. वसीम भाई, this was a good one. अच्छा जनाब, झूठ का झटका हमारा सेगमेंट है और आप जानते हैं ये बड़ा आप लोगों का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है. अब पता नहीं क्यों फेवरेट है यार, इन लोगों को इतना मजा आता है कि जब किसी भी सेलेब को बैठे हुए झटका लगता है तो दे एंजॉय इट. आई हैव नोटिस्ड दिस. तो आज नहीं तो अगले शो पे किसी का सर कलम करवा देते हैं. बड़ा मजा आएगा. मजा ले लेते हो तुम सारे. सर तन से जुदा करा देते हो. मजा ले रहे ना. मजा आते थे. अच्छा वसीम भाई, आपने मोइन भाई के लिए जवाब देने, यानी मैं जब आपसे सवाल करूंगा तो मोइन खान क्या सोचेगा ये आपने बोला, और मोइन भाई ऑब्वियसली वसीम भाई क्या सोचेंगे इस सवाल पे, तो आपने उस हिसाब से जवाब देना. इन केस यू फील दैट ही इज नॉट राइट, झटका लगा देना आपने. ठीक है, पहला सवाल हम मोइन खान से करेंगे. इसका मतलब आंसर मैं करूंगा? नहीं, आंसर ये करेंगे, यानी जो आपके ज़हन में है उसको सोच के आंसर करेंगे. देन यू विल टेल द ट्रूथ आल्सो. ठीक है, बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल गेट देयर. अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड यस, बट देन मोइन खान से सवाल है, लेकिन ये वसीम भाई का जवाब आपको देना है. वो ये कि मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक पर्ची है. ये क्या सोचते हैं, कौन सा खिलाड़ी पर्ची है? इनको क्या लगता होगा कौन सा खिलाड़ी पर्ची है? सवाल है कौन सा खिलाड़ी. मेरा मतलब है जो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वही. मतलब नाम तो बताए ना यार. यार नाम बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ लड़के का नाम बड़ा स्ट्रगल करके आते हैं. बहुत मेहनत करके पाकिस्तान टीम तक पहुंचते हैं. पर वो सीधा चला गया यार, किसी और का नाम ले तो चला गया. अच्छा ये नाम नहीं ले रहे वसीम भाई, आपके ज़हन में कोई है? There is no parchi man at this level. So let me explain this to the cricket lovers, awam ko. पाकिस्तान लेवल पे ये मल्ले दी क्रिकेट नहीं हो रही, ये पर्चियां नहीं होती हैं कोई. तो स्टॉप, यू नो एम्बैरेस करते हैं अपने आप को. कोई एक बच्चा आया 24 23 अच्छी परफॉर्म है, उसको मैच में पर्ची है, पर्ची है, 7-8 साल मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचता है. तो उस बेचारे के आप कुछ जब सीनियर कुछ बोल देता तो पर्ची मोहल्ले के मैच में चल जाती है, क्लब क्रिकेट में चल जाती होगी. पॉइंट टू बी नोटेड यार. पाकिस्तान क्रिकेट में कौन, इट्स जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन. अच्छा जी वसीम भाई, आपसे सवाल है, लेकिन जो इनके ज़हन में चल रहा है वो आपने बताना है मुझे. मुझे बस इस बात का अफसोस रहा कि मोइन खान को किस बात का अफसोस रहा कि मैंने ज्यादा नोट नहीं बनाए. यार मुझे लगा तेरी मुझे झटका लगाया. ये जाली है, मैं 15 मिनट से लगा रहा हूँ, नहीं हो रहा. नहीं लग रहा. मैंने सर हड्डीला छोड़ा हुआ. बस कम 1000 वोल्ट तो होना चाहिए सी यार. थोड़ा जोर का लगाते हैं यार. हाँ तो और क्या. आपने टाइट यार, मैंने ढीला छोड़ा, मैंने गैप रखा. अच्छा, मोहन भाई मुझे ये लगता है आपने मतलब ठीक ठाक बनाया सब. नहीं क्या ऐसे क्यों ये सर, ये जानबूझ के ऐसे ही करते रहते हैं. मैं तो इनको छेड़ता हूँ. मैंने कहा पैसा आपके पास भी उतना जितना मेरे पास है. मैं तो कहता हूँ कि मोइन तू घर में पुरानी पेंट झाड़ेगा ना तो ओदे तो आना छुट्टा निकलना है कि तू एक घर बना सकना है. दैट्स वेरी कूल. बट जो मेरा जवाब है वो ये है, हम दोनों के पास पैसा बराबर है, बट इनका डॉलर्स में, मेरा पाक रुपीस में. क्या बात ये के जी, वेरी नाइस जी. वसीम भाई अब आप मोइन भाई का सोच के जवाब देंगे कि शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था. मोइन खान की जिंदगी में शादी से पहले कोई नहीं था? नहीं, बहुत सारे थे. बहुत सी थी. आपने कहा कोई नहीं, मैं तो इसके साथ. ही कम्स अक्रॉस अ वेरी यू नो शरीफ काइंड ऑफ पर्सन. नहीं बस जी बोला बड़ा शरीफ. नहीं मैं तो बता रहा हूँ, बचपन में शादी हो गई थी मेरी, और उससे पहले कोई नहीं था जिंदगी. नहीं कोई नहीं, बचपन से पहले भी कोई होती है. शादी की अगर उम्र थी, अगर शादी की उम्र होगी तो कोई. ऐसा ना, आई वाज 23. ओके 21 इयर्स का था उस वक्त, मेरा अफेयर हुआ है, और 23 इयर्स के शुरू में मेरी शादी हो गई. पहले भी 5 साल थे ऐसा तेरे को पार्टी दे. 16-17 साल के आइए. इससे यह साबित हुआ कि वसीम भाई ने 16 साल की उम्र में पार्टी शुरू कर दी थी. एब्सोल्युटली मैन. ओके जी, मोइन खान से सवाल है, लेकिन वसीम भाई का सोच के आप जवाब देंगे कि कौन से क्रिकेटर बात बात पर बीवियों की तरह नाराज हो जाता है? आमिर सोहेल. इज दैट ट्रू? या दैट्स ट्रू. व्हाई? दैट्स आमिर हर एक से नाराज रहता है. वो हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त गुस्से में रहता है. वो उसको झटके क्यों लगा रहे हैं यार? ये नहीं दबाया था मैंने.
मुझे लगता है लेट झटका लग रहा है। अच्छा क्यों नाराज आमिर? अच्छा बिकॉज वी एज एन ऑडियंस डोंट नो दिस, आपकी एक पर्सनल वो चीज है, तो क्यों नाराज वो रहते हैं? आई डोंट नो, आमिर का हमेशा से ऐसा रहा है, जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग रही है, एंग्री रहा है के साथ। एक 70s में अमिताभ बच्चन थे एंग्री यंग मैन, एक आमिर बोल रहे हैं कूल यार, सही से पकड़ा लग ही रहा झटका यार, सही लग नहीं, वो कराची था ना, डेढ़ इशारी से करेगा एंड करके, एंड पड़े हैं एंड करके इसे लेकिन वसीम भाई आप जो इनके जहन में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देंगे, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि वो जहन में आ जाए। अच्छा, जहाज का इंजन फेल हो गया और पायलट आप हैं, तो किसको बचाएंगे, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस या कामरान अकमल को? ये किसको बचाएंगे पहले इनका बता दें। ये डेफिनेटली कामरान अकमल को बचाएगा। ठीक है, और उसकी वजह? उसकी वजह एक बड़ा सर्व किया यार उसने पाकिस्तान को, बाकी दोनों ने कीता, बाकी दोनों ने किया, बाकी नाम भी कोई तो वजह है, बाकी दोनों ने भी किया है, बट आई बिलीव के इज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ओके, और वसीम भाई किसको बचाएंगे तीनों में से, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस या कामरान अकमल को? मैं बताऊं इसका जवाब? हां, वकार यूनुस को। नहीं तो झटका लगाए ना यार, उसको लग ही नहीं यार, यार झटका नहीं लग रहा यार, मैं नहीं खेल रहा, वो करंट हल्का है मेरे लिए, सही कह रहे थे, तेज करे यार इसको, 440 वोल्ट करे इसको, हजार वोल्ट। सही है, ठीक है जी। मोइन खान से सवाल है, कौन सा क्रिकेटर खुद को हमेशा खबरों में रखना जानता है? ये जो वसीम भाई के माइंड में उसका जवाब देना आपने, ये दे देगा स्ट्रेट वे। मेरा ख्याल है शोएब और आफरीदी। आई पहला नाम लेजेंडरी है ना, वसीम भाई सही जवाब है। या वो सही जवाब, शोएब का तो सही जवाब दिया, शेबी बॉय। अच्छा, उसके लिए भी कोई वर्किंग करनी पड़ती है, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। कॉल करिए शोएब को, करें आप कॉल, लाइव कॉल करें शोएब भाई को, लाइव कॉल करते, ठीक है। वसीम अकरम से अगला सवाल है, और वसीम अकरम जो है वो मोइन खान का जहन में रख के जवाब देंगे, और वह सवाल ये है, अगर क्रिकेटर ना होता, यानी कि अगर मोइन खान क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? इसकी साइकिलों की पंक्चर की दुकान हो रही है। Just a wild guess, man. Guess अच्छा है। तो झटका लगाया ना यार उनको? लगी नहीं ना, मैंने लगाया। यार, man of steel, क्यों झटका नहीं लग रहा? अच्छा, क्या, चले आप बता दें क्या होते अगर आप क्रिकेटर ना होते तो? तो भी होने से नहीं पता। अब ये ना कहीं मैं प्रोफेसर होता, ये ना कहीं मैं प्रोफेसर होता। डोंट से दैट। फिर क्या होता? सीरियसली, मुझे पढ़ने का शौक था, इंजीनियरिंग का शौक था, जो कि क्रिकेट के साथ मैं करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाए, इंजीनियर बने। सीरियसली, ठीक है, पकड़ने लग रहा है मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अबे तू टॉर्चर चैंबर में, उन्होंने कहा अगर वसीम अकरम मैन ऑफ स्टील हो सकता है, मैं भी मैन, मैं आयरन मैन हूं, मुझे कोई झटका नहीं लगता। अच्छा वसीम भाई, आप जवाब देना इसका, कि अगर आप क्रिकेटर ना होते, आप बताएंगे ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? वसीम भाई क्या होते? एक्टर होते। हाँ वसीम भाई, नहीं मैं होता, मेरा कनाडा में छोटे शहर में एक पेट्रोल पंप होना था। या कनाडा में हर पाकिस्तानी का पेट्रोल पंप, ये बात भी सही है। अच्छा वसीम भाई का ना थोड़ा मैंने देखा बिजनेस माइंडेड है फुल, यानी जहां से चेक करें इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करनी चाहिए, अवेयरनेस है, अवेयरनेस, यस यस, गुड कूल। ओके जी, मोइन खान से सवाल है, कौन ग्राउंड के बीचों बीच भी नैप ले सकता है? मेरा ख्याल है आपके जहन में इंजी तो नहीं है कहीं। तो इनके जहन, इनका जवाब दिया मैंने, जहन में इंजी होगा। आपके जहन में क्या है, कौन ले सकता है? ये नाराज ना हो इंजी। ये नाराज ना हो इंजी, ये इसने शुरू कराया। अच्छा एक्चुअली यू गाइस हैव विटनेस्ड दिस, एक्चुअली कभी कभी होता है क्या? नो, ऐसी रूमर सुनी थी कि जब इंजी फर्स्ट क्लास खेलता था, इंजी ये तू मुझे बता दी सच है कि गलत है, जब फर्स्ट क्लास खेलता था तो जब इसका डील थी अपने क्लब अपने टीम से, जब इंजी 100 करेगा तो फिर फील्डिंग नहीं करेगा, सोएगा। अच्छा ये मैंने भी सुना हुआ है। यार क्या करंट मारे जा रहे यार, वसीम अकरम को मजा आ रहा है झटके लगा लगा के मोइन खान को।
बट इजी 7 साल मेरा रूममेट रहा है, बट ये र्यूमर ही है कि वो बहुत सोता था, बट नहीं सोता था, नो. Okay. He can move whenever he wants to, whenever he wanted to. ठीक है, वसीम अकरम से सवाल है, मुझे खवातीन की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, इनका बताएं कि इनको खवातीन की किस बात पे गुस्सा आता है? एक बात हो तो बताऊं. यार जवाब भी दे रहे हैं, मुझे करंट भी लगा रहे हैं वो उधर से. अच्छा चले, आप खुद बता दें यार, आपको किस बात पे, लड़कियों की किस बात पे गुस्सा आता है? कोई तेरा कब दिल करता है कि घर से निकले और खुदकुशी करने को दिल करे तेरा? जी मोइन खान किस क्रिकेटर को देख कर दिल कहता है कम बोला करो? ये वसीम भाई कह रहे हैं. मुश्ताक अहमद. उसको रोज सुबह ब्रेकफास्ट पे दिखाया उसका, मैं कहा मुशी, मैं घोसा था मुशी, टैं टैं टैं, कभी कोई घोड़ा पकड़ा हुआ है, कभी कोई वो सिक्योरिटी वाला पकड़ लिया है, कभी कोई कबूतर फाड़ लिया है. बट मैं कहा मुशी इतनी बातें कैसे कर लेता है तू? ठीक है जी, वसीम अकरम, यार ये कैसा सवाल है, वसीम अकरम या इमरान खान, ये क्या चूज करेंगे दोनों में से? ये डेफिनेटली इमरान खान चूज करेगा यार. वसीम अकरम. ओए वेल डन मोइनी. यार वो मतलब उनकी चॉइस है यार, बता. मैं तो 5 साल वाइस कैप्टन रहा हूं इनका, एंड व्हाटएवर आई हैव लर्नड इट्स बिकॉज ऑफ हिम. सीरियसली That's brilliant, yeah. इमरान भाई के साथ असल में बहुत कम टाइम मिला, इनको ज्यादा टाइम मिला, मुझे थोड़ा कम टाइम मिला. इनसे यही क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली इमरान खान. अब उनसे ये तो नहीं पूछूंगा इमरान खान या वसीम अकरम, आप ही से पूछ सकता हूं. इमरान खान का नाम ले सकता है, इयान बोथम ले लो. इमरान खान या मियां दाद या इयान बोथम या इयान बोथम. ठीक है, ठीक है वसीम भाई, वसीम भाई से सवाल है, आप बताएंगे इसका जवाब, इमरान खान या जावेद मियां दाद? मेरा ख्याल है जावेद मियां दाद. Probably both, but again, मुश्किल है इसका आंसर. शौक नहीं दिया इनसे पूछे, शौक क्यों नहीं दिया मुझे? नहीं दिया, नहीं कुछ ठीक कह रहा हूँ. क्योंकि सच बोल, जावेद भाई ने मुझे पिक किया था. जावेद भाई ने पिक किया था. शुरू में मुझे उन्होंने ग्रूम किया था. Then I met इमरान भाई afterwards. Then he took. So both of them are like equally, absolutely, equally important in my life. And what amazing players and what names. They were superstars, man. Yes. मैंने तो उनकी glory और उनका peak अपने आंखों से देखा हुआ. क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा बस ये तकरीबन ऑलमोस्ट वेयर टू गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट. मोइन खान से सवाल है, आप ये बताएं कि ग्राउंड में कौन बहुत प्यारा या अच्छा या मीठा बन के बात करता है लेकिन असल में बहुत कड़वा है, कोई ऐसा है? ये वसीम अकरम जवाब दे रहे हैं इसका. पहले शौक लग गया मुझे. अच्छा यार, ऐसा कोई भी प्लेयर मुझे तो नहीं याद आ रहा इनकी तरह से वो जवाब दूं मैं, ऐसा कोई, यानी कोई ऐसा नहीं है जो जरा थोड़ा हार्श या कभी आपको लगा कि ये बात में तंज कर दिया या थोड़ी. नोबडी, यू कांट थिंक ऑफ एनीबडी. कोई ऐसे करता है तो उन्होंने रख के लितर ना मार दे. यार कोई सीनियर भी हो सकता है ये भी कोई. हाँ यार, सीनियर नहीं, सीनियर हमारे बड़े रिश्ते सारे बड़े प्यार से रखा हमें सब, जब हम बच्चे थे. Everybody loved us. Do you guys feel that still, like you, I've noticed कि आप लोगों के जो ये नाम हम लेते हैं तो एक अजीब अमेजिंग किस्म के का बॉन्ड है, इतना प्यार है आपस में, वो नजर आ रहा है. इज दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री हैपनिंग दीस डेज आल्सो? आई थिंक सो, बिकॉज अगर आप टीम के, एक टीम के साथ 12-15-20 के साथ साल में 9 महीने डे इन डे आउट गुजार रहे हो, सो आपके डिफरेंसेस भी होते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, मगर इन द एंड इट्स लाइक अ फैमिली. यू हैव गुड, मोस्टली यू हैव गुड लाफ, यू हैव गुड मेमोरीज, यू गो आउट फॉर डिनर्स. सो ये टीम भी यही करती है. ठीक है, मोइन भाई से सवाल है कि अगर वसीम अकरम किसी क्रिकेटर को कोई राय देना चाहेगा तो वो किसको और क्या राय होगी? किसको और क्या राय होगी? प्रेजेंट क्रिकेटर को? यस, प्रेजेंट. वन इंपॉर्टेंट. आई थिंक आजकल वसीम भाई एफिलेटेड है कराची किंग के साथ, तो कराची किंग में बाबर इनसे बहुत क्लोज होता है. मेरा ख्याल है उसी को कोई जरूर एडवाइस करना चाहेंगे जो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस हासिल किए एज अ कैप्टन. I think मेरा ख्याल है कि वही उसको कन्वे करना चाहेंगे.
ठीक है, सही कह रहे हैं। Yeah, I suppose यही बताएंगे यंगस्टर हमारे कप्तान है, कप्तान है, and I think he's got bright future ahead of him. Yes, he's amazing. As a leader, as a leader, as a batsman तो है ही है वो. But I think उसको मैंने एक ही चीज बताई थी कि अगर गलती हो जाए, own your mistake, be a leader, and everybody will follow you. Of course, ये यार इतना important message है कि आप कभी गलती भी ज़िंदगी में as human. कोई भी कर रहे हैं mistakes यार. हमारे यहाँ पे थोड़ा judgmental हो जाते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा. अच्छा जनाब, segment तो almost यार एक मिनट वसीम भाई, अगर वसीम भाई मोइन भाई को आज के किसी क्यों झटके बेचारों को झटके लगा रहे, जब लगाना तब लगा रही, अगर इनको किसी क्रिकेटर को आजकल के बॉयज में से चूज करना हो कि ये बहुत आला है, तो किसका नाम लेंगे? ये आजम खान का. हाँ, अपने बेटे का. और अगर कोई ऐसा चूज करना जो लगता हो कि who needs a lot of concentration yet should be working harder than what he is. देखो अब इन लड़कों के साथ मैं ज़्यादा involved हूँ, मोइन PSL में involved होता है. देखते तो है ना किसी को आप खेलते हैं? इतना टाइम नहीं, क्रिकेट ही देखते रहे सारा दिन. We have a life. So okay, yes of course. We have other jobs too. अच्छा आप किसको चूज करेंगे अगर इन्होंने तो नाम बता दिया, आप किसको चूज करेंगे इस नाम के अलावा? नहीं, आतिफ, आई सपोज अभी जो नई सिलेक्शन हुई है वो जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म लड़के हुए हैं वो आ गए हैं टीम में, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दे दी है. सो दैट्स अ गुड साइन कि फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे आप पिक कर रहे हैं, पास्ट ग्लोरी पे नहीं पिक कर रहे. सो हर चीज पाकिस्तान क्रिकेट की सही डायरेक्शन पे जा रही है, बट पेशेंस, हम काले बड़ी हैं एज अ कॉम. काले से मतलब के जल्दी में, यू मीन हर चीज ऐसे अभी से ये वेट नहीं करना. बहुत अच्छी बात है वसीम, मैंने कहा कि सबर करना बहुत जरूरी है, हर चीज में पेशेंस और सब जरूरी है. जनाब अगले सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हमारा segment है तीखा सच. हमारी dining table पर मौजूद है वसीम अकरम और मोइन खान, और दोनों जो हैं उनके सामने मौजूद है आज क्या है हमारे पास? आज prawns है, क्योंकि मुझे ये पता चला कि वसीम अकरम जो हैं वो chicken नहीं खाते, meat नहीं खाते. मैं impress हूँ यार, इसकी वजह हम पूछेंगे. लेकिन एक सवाल जो मैं वसीम भाई आपसे करना चाहता हूँ, पहले ये है कि आपको 10 साल हो गए कराची शिफ्ट हुए. जी बिल्कुल. Have you learned something special in Karachi? Of course I did. मैं कराची में दो चीजें सीखा हूँ पिछले 10 सालों में, और जो चीजें जिंदगी के प्रिंसिपल में हर कल्चर में काम आती है. ओके. पहला मैं चीज सीखा हूँ जुगाड़. एक्चुअली इट वर्क्स. एंड दूसरा जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज सीखा हूँ, उड़ता तीर लेने का नहीं है, निकलने दो. एक्चुअली इट वर्क्स. सही है. सोचो कि ये दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में यार. ये बहुत जबरदस्त टिप दी है वसीम भाई ने. लेकिन वसीम भाई ये आपने लाहौर में नहीं सीखा ये दोनों चीजें? नहीं, लाहौर ही सोते रहते हैं सारे. मेरा ख्याल है लाहौरियों को तो शौक है उड़ता तीर लेने का. हाँ, उनको तो एक्चुअली ऑपोजिट है यार. टू कूल. अच्छा सही है, ये इस बात पे हम बात और करेंगे. आपने जो है चिकन और मीट क्यों छोड़ दिया खाना? बिल्कुल यार, जस्ट आई वांटेड टू ट्राई. दो साल पहले मेरी बीवी को, शनीरा को 4 साल हो गए, बट इसे कहते हैं पेस्केटेरियन. आई ईट सी फूड एंड वेजिटेबल्स, दाल एंड यू नो चने. अभी कई जगह जाता हूँ, बड़े हाई एंड जगहों पे, तो कहते हैं, मैं नहीं खाता पेस्केटेरियन, ये चीजें नहीं खाता. अच्छा चिकन खा लो, फिर समझाना पैंदा है चिकन भी होते ही चुंदा है. आपकी भी कोई ऐसी रजीम है, कोई स्पेशल खाने वाले? कोई ऐसे कोई भाई बिरयानी की देख आराम से चढ़ा, आराम से. बिल्कुल, आई लव देसी फूड. लग रहा है. अच्छा जनाब, ये सेगमेंट ये है कि मैं आपसे कुछ सवाल आते कुछ बातें पूछूंगा, और आपको एंजॉय करना अपना खाना. जैसा आपके सामने जबरदस्त प्रॉन्स हैं, लेकिन स्पाइसेस भी हैं, और स्पाइसेस का लेवल रेज होता रहेगा जैसे जैसे आप बात करते रहेंगे.
So to start on, I would like to add some really cool spice on these prawns. So that jab Moin bhai khaye, to वैसे Moin bhai आपको मिर्चे पसंद है? मिर्चे नहीं, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं ज़्यादा पसंद। मुझे लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और वसीम भाई, बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं प्रॉन्स वसीम भाई, क्या कह रहे हैं आप? या अगर परसों का नहीं है तो बहुत टेम्पटिंग है। ये सर अभी, सर ये हमने फ्रेश मंगवाए हैं आपके लिए अभी अभी। फ्रेश परसों के? फ्रेश नहीं सर, अभी 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 आए हैं बस। हाँ जी। अच्छा जनाब, पहला सवाल मोइन खान आपसे है, उठाइए एक प्रॉन स्पाइसी और स्पाइस में डिप कीजिए। डिप भी करना है। डिप करें, सवाल ये है, मछलियां फाड़े ये, आ कैसा है, क्या बात, मिर्ची है बहुत ज्यादा। शुएब अख्तर सेड इन 2019 के राशिद लतीफ को निकाल कर जितने भी क्रिकेटर्स थे वो मुझसे और आफरीदी से जेलस थे। सर खाते में जवाब। सही बात है यार, सही बात है, सीरियसली हां सर, एक बाइट और रहे हैं आप। एक और बाइट लूं? हाँ, तो क्या सही बात है, आप तो नहीं थे शामिल उसमें? मैं उस वक्त था ही नहीं टीम में शायद। कब की बात हो रही है? 2019 में वैसे कहा है, जनरल बात की थी कि राशिद लतीफ को निकाल कर, राशिद लतीफ को निकाल के। मेरा ख्याल है यार ये जो कहा है ना उन्होंने, ये उनके जहन की इकासी करता है शायद। क्या बात है, बड़े मजे लेके खा रहे। वसीम भाई इट्स योर टर्न नाउ। सर ये पानी भी है हमारे पास, ये आप कौन सी सॉस में डालना है? मैंने सर आपको जो लगता है सबसे ज्यादा स्पाइसी उस सॉस में डिप कर लें, जो आपका दिल कर रहा है। ये उड़ता तीर को तो मिर्च नहीं लग रही यार, वसीम अगर को तो मिर्च नहीं लग रही। फ्लाइंग एरो इसे कहते हैं, उड़ता तीर। मैं तभी खेल पाता था जब वसीम अकरम टीम में ना हो या टीम का कैप्टन ना हो, ये आकिब जावेद का कहना है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें ये कहूंगा, मुझे पता होता ना पहले तो मैं इन्हें बिल्कुल ही ना खेलने देता। 20 साल रिटायर हो गए हूं मैं, कुछ भी आके बोल ही जाते हैं, कुछ चुप करा दो इन्हें थोड़ा जहा।20 साल बाद की वही बातें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, वही मेरे साथ ये हुआ, इसने ये किया, नोबडी केयर्स मैन, मूव ऑन। अब नई सदी आ गई है, नए बच्चे आ गए, उनके लिए परेशान नहीं बात कर, ठीक है जी। मोइन खान यार आप यार मरवा दिया, खत्म कर दिया ना वो पहला प्रॉन। दूसरा प्रॉन सर, एक मिनट सर, इसको जरा डिप करें थोड़ा सा। ये यार सर ये अब हुआ सही स्पाइसी। विकेट कीपिंग इज अ थैंकलेस जॉब, विकेट कीपिंग इज अ थैंकलेस जॉब, ऐसा आपने वसीम अकरम के शो में कहा था, क्यों और इसके पीछे क्या वजह है? थैंकलेस जॉब यार, वादी है, चार अच्छे कैच पकड़ लो, एक कैच छूट जाए, सब क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यू नो, इसलिए थैंकलेस कहा था। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, ये भी है। उंगलियां दिखाना अपनी, देखो उंगलियां मेरी चेक करो ना, इधर कैमरे में दिखा दें, ये उंगलियां टूटी हुई है सारी, ऑल ब्रोकन, ऑल ब्रोकन, एवरी विकेटकीपर इज लाइक, एंड इवन 99 वर्ल्ड कप दो फ्रैक्चर में खेला था व्हेन ही वाज कैप्टन। वाओ यार, What hard work, man. What thankless, dedication. Thankless, thankless. ये इसलिए कहा था मैंने कि कभी बार क्या उन्होंने कहा, नहीं खाओ अभी खाई जा रहे सर, सर खाने दो उनको, एंजॉय करें क्योंकि ये सेगमेंट का हिस्सा है, खाना है। अच्छा भूख लगी हुई काफी देर हो गई है। अच्छा जी वसीम भाई योर टर्न। ओके वसीम भाई एक मिनट यार, मजा नहीं आ रहा। ओए 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 सर, ये स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, उड़ता तीर है, मैं बता रहा हूँ ये। सही है, नॉट वेरी स्पाइसी, हाँ नॉट वेरी हॉट। ठीक है, सवाल ये, 2019 में आपने एक जगह डिक्लेयर किया कि मोहम्मद आमिर बेहतरीन बॉलर है और इसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा, क्या ये सच था? मैंने के हिसाब से या उस टाइम के लिहाज से ही वाज फिनोमिनल आमिर, जब वो टीम में आया है जो उसकी परफॉर्मेंस थी वाज ऑन द राइज, बट या एब्सोल्युटली मैंने ठीक कहा, मैं अभी ना
That's you, what you I still, meant. You still. I go by feel. It, yeah. Okay, great, wonderful. Sir, khaye. Aye. ये ये शॉट चाहिए हमें ये शॉट चाहिए यार लेकिन है पसंद तो आ रहे हैं आप एक्स्ट्रा मिर्चे खिला के लगे जान निकाल दिया आपने सर इसके बाद आपको दही पिलाएंगे फिक्र ना करो दही टेंड कर आगे ना मुझे ये आपका पहला जुमला याद आ रहा है उड़ता तीर है ये उड़ता तीर अच्छा जी हाँ जी मोइन खान शाहिद आफरीदी की बुक की कौन सी स्टोरी आपको समझ में नहीं आई और क्यों क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं तूने तो उसे कहा था जब उसने बुक दी कि मैंने तो सारी पढ़ी है हाँ यार पढ़ी है कुछ पढ़ा है उन्होंने आपने बोला पढ़ी कुछ तो याद होगा उसमें से Honestly मैंने नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी कोई बात निकली कोई सुनी नहीं कुछ एज के बारे में सुना था शायद अच्छा। उसने अपना डिस्क्लोज किया तो वो सही नहीं है वो सही बात नहीं है अपनी एक्चुअल एज के बारे में उसने डिस्कस किया था एक्चुअल एज भी है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स ये कर चुका है व्हाट व्हाट डज दैट मीन इट्स ऑन रिकॉर्ड एक एज और एक एक्चुअल एज है वो कुछ इयर्स कम कराए हुए थे अपनी लाइफ में उसने इस वजह से मेरा ख्याल है वो शायद कहीं बुक में उसने मेंशन किया है अपनी एज के बारे में ओके रिमेंबर दैट या ओके जी वसीम भाई एक बाइट तो बनती है यार थोड़ा झाड़ के टिप करके कभी कभी जिंदगी में स्पाइस भी जरूरी है ये ये ओके जी वसीम अगर मुझसे सवाल है कि हेयर स्टाइल्स में आपने एक अरसे तक इमरान खान को कॉपी किया था क्या ये सच है ओए ओए यस बहुत कुछ कॉपी किया है इमरान ने का मस्तन हेयर स्टाइल कपड़े उनकी आवाज क्या ही वाज लाइक एन इंस्पिरेशन माय आइडियल यार मोइन खान हां जी सर एक बाइट लेना अब ऊपर ऐसे ना करे बोलिए चाहे मिसबॉल हक हो या वकार यूनस अगर परफॉर्म नहीं किया तो उन्हें जाना पड़ेगा कहीं ये ऑनेस्टी महंगी तो नहीं पड़ती सच बोलना है मुझे ऑनेस्टी महंगी नहीं पड़ती मैं नौकरी नहीं कर रहा किसी की भाई जो नहीं परफॉर्म करेगा वो घर जाएगा ना सिंपल सी बात है ऐसी होता था हम लोग जब खेलते थे जो परफॉर्मेंस नहीं करता तो बाहर हो जाता था टीम से कभी तो एतराज उठाया होगा किसी ने कि नहीं यार किसी ने कभी मसलन एतराज आपने कभी कह दिया किसी को कि ये ही जोन का परफॉर्मर है इसको जाना चाहिए ऑफ कोर्स जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या एक जैसे मैंने कहा कि फॉर्म कभी अच्छी नहीं होती यू रिमेंबर समबडी स्पेसिफिकली मैंने अभी रिसेंटली कहा था मिसबा और वकार के बारे में अगर वो परफॉर्मेंस टीम की अच्छी नहीं होगी अल्टीमेटली उनके ऊपर आएगा देन दे हैव टू गो सिंपल और लोग हैं उनको चांस देना चाहिए फिर बिल्कुल सही ऐसे ही है ना बिल्कुल सही बिल्कुल जी वसीम भाई बस आप मिर्चे लगा नहीं सर मैं ले लूंगा थैंक यू पानी पीऊंगा थैंक यू मुझे मजा आ रहा है बहुत वसीम भाई एक सवाल रह गया और मिर्चे लगा के मजा आ रहा है इसको आपने तो प्रॉन्स खाए नहीं यार हमें तो आपके लिए ज्यादा खाए उतने ही खाए जितने उसने खाए सर जरा भर के ये 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 वसीम अकरम से सवाल है कि यंग क्रिकेटर्स को मशवरा दिया आपने कि इंग्लिश भले ना बोल पाओ कोई मसला नहीं कम से कम उर्दू बोलना सीख लो क्या इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए अगर नहीं आती तो उर्दू अच्छी आनी चाहिए उर्दू की वोकैबुलरी होनी चाहिए बिकॉज मैं चाहता हूँ जब ये टीवी पे आके बोलें तो एक्सप्लेन कर पाएं कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं तो जब वोकैबुलरी आएगी उर्दू पढ़ने से आएगी या बोलने से आएगी सो दुनिया में और भी दुनिया में और भी जुबानें हैं अच्छा बट यू एक्चुअली यू थिंक के हमारे यहाँ पे जज करते हैं पोस्ट करते हैं के वन के नॉट यू नो एक कॉन्वर्सेशन नहीं पुट अप कर सकता अंग्रेजी में सब सारे मजाक उड़ाते हैं इस मुल्क में इंग्लिश का अभी वो इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट का बिल्कुल उनके पीछे पड़ गए सारे सबसे ज्यादा मजाक तो ये खुद उड़ाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है उमर अकमल का कितना मजाक उड़ाया उन्होंने अंग्रेजी का एक और हमारी एक्ट्रेस है टॉप की उनका कितना मजाक उड़ाते हैं ये एकदम इनको याद आ जाता है ओए ज्यादती हो गई है एक हमारे यहाँ हर एक को स्वाब बड़ी जल्दी चाहिए वो भी मुफ्त का दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली समबडी आस्क्ड मी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि हमारी नेशन में तो बहुत से एक्टर्स क्रिकेटर्स बहुत से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है अंग्रेजी में तो ये खातून वही कर रही हैं जो आम आवाम जो भी हुआ गलत हुआ बट इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड राइट मोइन भाई हाँ जी एक और बाइट जबरदस्ती बड़ी सारी बाइट यार मिर्चे तो लगाएं यार अब मैं जरा वो कर रहा हूँ थोड़ा सा कि यार मैं ज्यादा ना हाँ ये आहा मजा आ गया नहीं ये बाकी भी खत्म करें यार करें जी जी आए ना मुझे अच्छा लग रहा है वो खाते थे
वसीम भाई बोले बोले आप आई ओके मैं तो चिकन खाता है इतनी यार फर्स्ट टाइम है आज पहली बार खाई है क्वेश्चन करें क्वेश्चन आपसे ये है पाकिस्तानी टीम के सारे मोटिवेशनल नारे तो बोलकर दिखा दें जो मैच के दौरान आप बोलते हैं पाकिस्तानी टीम के जो मोटिवेशनल नारे जैसे जैसे आप एक बोलते हैं ना शाबाश 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 अभी तो मिर्चें लगी और एक नारा एक कोई और, ये ना? क्या बोलते हैं वसीम भाई भी बताएंगे खाएं खाएं यार थोड़ा कम ऑन सकी शाबाश 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 मुशी कम ऑन नहीं इसी टोन में बोलते हैं हम वहां पे नाना ऊंची बोलता था इसे ऊंची कितनी ऊंची वसीम असल में बॉलर दूर होता था ना इसलिए जोर से बोलना पड़ता था शाबाशी शाबाश और वो स्टंप माइक पास था तेरे उससे आवाज जाती थी ज्यादा एंड दैट डज मोटिवेट द टीम ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल मींस द टीम सारी इन्वॉल्व है सोए नहीं हुए यूजुअली सोए होते हैं आधे ट्रैवल करते हैं एट टाइम्स बहुत कम लोग ट्रैवल किए होते हैं फर्स्ट टाइम जाते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा खलल आ जाता है व्हेन देयर आउट एंड अबाउट एंड रोमिंग अराउंड आपको फील आउट इट आई सपोज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मैं पहली दफा गया था 17 साल का था दुनिया में कहीं नहीं पहले मैं बाहर गया था तो मुझे जावेद भाई ने मुदस्सर नज़र ने समझाया था कि वहाँ मैं जब क्राइसिस लैंड किया तो कहते ने मैंने खान भूख लगी थी मैं कह दिया तो कढ़ाई कितों मिलेगी कहते बेटा यहाँ क्राइसिस में कढ़ाई भाई नहीं है देसी नहीं है वो 85 में कोई देसी वेसी नहीं था होता वहाँ बिल्कुल ऐसी स्टेक होता है मैं कहा वो क्यों होता है एक्सप्लेन किया स्टेक क्या होता है उसे कैसे खाते हैं चिप्स के साथ टबैस्को डाल के एंड सैलड के साथ सो आई हैव लर्नड देयर ऑन द टूर फर्स्ट टाइम बट शर्माने की जरूरत नहीं है आपको कल्चर ट्राई टू जब जाओ बाहर यंगस्टर को जाता है किसी भी टीम के साथ या वैसे भी तो ट्राई टू लर्न दैट कल्चर वहां जाके तुझे पाकिस्तानी एरिया घर लैके उतो ही निकलते ही नहीं हो सो लर्न दैट कल्चर लिव इन दैट एरिया ऐसी जबरदस्त बात की उधर जाके भी कहीं बाहर नहीं निकलते और वहीं के मतलब वो लगता है आप 20 साल पहले स्टक हो गए लर्न दैट कल्चर एंड इट्स रियली गुड टू लर्न ऑब्जर्व एंड ग्रो यू नो ऐसे ही होता है जनाब जबरदस्त थैंक यू सो मच वसीम भाई थैंक यू सो मच मोइन भाई और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए जनाब टाइम आउट विद एहसन खान वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और मेरे साथ मौजूद है वसीम अकरम और मोइन खान और मैं इनके साथ वो कहते हैं ना शुगल तो लग रहा है तफरी तो हो रही है लेकिन आई एम लर्निंग अलॉट बिकॉज ये मौका कभी कभी मिलता है कि ऐसे दो लेजेंडरी लोग आपके साथ बैठे हों और वो बातें कर रहे हो इट्स ब्रिलियंट एंड यू नो वन थिंग आई हैव टू से वसीम भाई एंड मोइन भाई ऑनेस्टली आई हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज बिकॉज आई वर्क इन दिस फील्ड मैं होस्ट भी करता हूँ लेकिन मैंने देखा जो बड़ा आदमी होता है ना वो हम्बल होता है Like both of you, such great people. Honestly, thank you. अच्छा मुझे ये बताएं, ये बॉल मैंने ऐसे पकड़ लिया आपको देखकर जज्बा आ रहा है कि लगा। वसीम भाई आपने कभी गाना वाना गाया? गाता हूँ मैं बाथरूम सिंगर तो हूँ और I love my music. ठीक है। And when I go for walks in the morning for an hour and a half, मेरे earpods लगे होते हैं और mostly मैं अपना पाकिस्तानी म्यूजिक सुनता हूँ मुझे बहुत पसंद है। जबरदस्त है बिल्कुल पाकिस्तानी म्यूजिक तो पूरी दुनिया में। Best in the world. Yes, of course. अच्छा एक चीज कभी टीम बैठी हो आप लोग रात को फ्री होके बैठे हो कभी किसी को बोला कि गाना सुनाओ यार तो कौन सा गाते रहते हैं आई थिंक मोइन 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 भी गाता था मोइन अगर गाएगा तो प्लीज तहसीन का गाना प्लीज अच्छा यस आज पहली बार टेलीविजन में मोइन खान आज पहली बार सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि मेरे स्किपर ने मुझसे कहा है अदरवाइज मैं थोड़ा सैड हो गया यार मोइन अगर मैं कहता आप नहीं सुना ऐसा नहीं ऐसे खुश कर देना दिल यार जस्ट किडिंग यार दिल खुश कर दे यार मेरी वजह से भी गा रहे हैं आपकी वजह से भी बस ठीक है ये यही लगाना कट यार यस दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं वाह नादान है समझता नहीं वाह बिन तेरे रहते
ऐसा नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। डेडिकेटेड टू तहसीन भाई, द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर। वंडरफुल यार, ही सिंग सो वेल यार। ये वाला टैलेंट तो भी एक और, वो कहते ना एक नया करियर। अरे शौक है इसको, मैंने सुना भी हुआ मोइन को। अच्छा, हम तीन सर वो ये तमाम चीजें तैयार इसलिए की गई कि कभी भूखा नहीं मरना जिंदगी में। राइट ऑन। नहीं, मैं गाना गा के पैसा नहीं बना सकता। लेट मी टेल यू दैट सर, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्निंग एंड यू नो हॉलीवुड। या अच्छा, हम कुछ म्यूजिक बजाएंगे, देखते हैं कि वसीम भाई गाना गेस करते हैं कौन सा है, या मोइन खान गेस करते हैं। बजाएं जी पहला म्यूजिक। सोना ना चांदी ना कोई महल, न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दोस्तों का साथी बनूंगा। वाह यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। दोनों आया गाना, दोनों दोनों ने गेस किया। नेक्स्ट सुनाए जी, कौन सा म्यूजिक है? तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। वाह वाह, क्या बात है यार, बड़ा म्यूजिकल सीन हो गया। एक और जनाब बजाए, अब गाएंगे वसीम भाई यार, हम साथ ही गा रहे हैं, हम साथ गा रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं आपका। हाँ जी, नेक्स्ट। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हैं जी, ही गेस्ड राइट, ग्रेट डिडी, हाउ डज इट गो, कौन सा है? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। वाह यार, क्या बात है। वैसे ये एक स्पेशल वो लग रहा है, अलग से प्रोग्राम एक होना जिसमें मोइन भाई को हम बैठ के बाकायदा सुनेंगे। He knows all the songs, man. जबरदस्त चलाब म्यूजिक, और मुझे पाकिस्तानी तो बहुत ही म्यूजिक पसंद है। मोइन, वेरी गुड, वेरी गुड होने वाला है। इस सेगमेंट का नाम है दिल खोल के, और इसमें जो नाम निकलेगा, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे प्लेयर्स हो, या कोई भी हो, आपको उनके बारे में कुछ कहना है, या उनकी मिमिक्री कर सकते हैं, या उनके गाने पे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो पहला आप निकालिए पर्ची। हो गया, इमरान खान। वो वाह, क्या नाम निकला यार, पहला ही नाम। नहीं नहीं, इमरान भाई के साथ तो मैं खेला ही बड़ा हूँ, दोस्ती भी उनसे बड़ी रही है, अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट उनकी उनके बारे में बात करनी है कि उनकी नकल उतारनी है। उनकी आप कोई स्पेशल लाइन जो आपको याद हो के बार बार ये लाइन? अब वो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता स्पेशल लाइन, वो हमें पढ़ती थी। अच्छा, जरा जरा लेस स्पेशल लाइन, जरा लेस स्पेशल लाइन। क्या कर रहे हो? वो मुझे बर्गर नहीं थे खाने देते। अच्छा। पर्थ में थे हम, तो मैंने एज यूजुअल मुदस्सर नमूडी पर रमीज साथ थे, अब उन्होंने ही हेटेड कि मैं बर्गर, मुझे आयुष लाभ बर्गर खाना जंक फूड है। अब प्रैक्टिस करके आए पर्थ से, अब वहाँ लंच ये तो चले गए ऊपर नहाने, हम भूखे थे, हम सारे मैं मूडी पा रमीज रेस्टोरेंट में चले गए होटल के, मूडी पा ने ऑर्डर कराया मुदस्सर नजर नहीं, तो करते 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 मैं क्यों आ रहे हैं इमरान भाई, कहते नहीं कुछ कर ले, जल्दी से कर लिया, भी आ गए, तो वो बर्गर आया ना, मैं तो सामने लाके रख दिया, तो मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि खाऊं ना खाऊं,
रमीज राजा बताएं जी, क्या बताएंगे रमीज राजा के बारे में? रमीज भाई के बारे में ऐसे जैसी तो कोई बात नहीं, बट एक राणा टूंगा ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। एक दफा हमारा टेस्ट मैच हो रहा था, मैं कीपिंग कर रहा था, तो राणा टूंगा ने ऐसे करके रखा बॉल सामने, रमीज भाई खड़े तो जल्दी से भाग गया वो, तो नॉन स्ट्राइकर पे जब मैं ओवर खत्म हुआ तो उधर गया तो मुझसे हंसते हुए पूछता है, मोइन व्हाट डू यू थिंक हु इज द बेस्ट फील्डर, मी और रमीज? मैंने कहा ऑफ कोर्स यू। And Rameez bhai doesn't know this. He was not a good fielder, but he was a very, very good batsman. Yeah, of course. But fielding में हमेशा कुछ ना कुछ lapses रहते थे। वो Rameez bhai की एक और चीज़ है ना, हम लोग जब उनको देखते हैं, he's so well dressed. Like ऐसे जबरदस्त कपड़े उन्होंने पहने थे कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, he makes an effort. He looks good. He's one of the best commentator we have in this country. He is, yes, no doubt, no doubt. Sir, next. इब्रारुल हक। अब इब्रारुल हक से तो वही एक चीज याद आती है, किन्ने किन्ने जाने बिलो देखा, किन्ने किन्ने जाना बिलो देखा, बिलो देखा जी, जबरदस्त, बड़ा अच्छा गाता है यार, राइट, स्पेशली आर कल्चरल और वो सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग, एसी पंजाबी, हां यार, द बेस्ट वंस, यार, इज वेरी गुड, इज वेरी गुड, यस, नो डाउट। नेक्स्ट जी, नहीं पंजाब में बिलो होती है, हां यार, जगह होती है, हर दूसरे मोहल्ले च बिलो होती है। ओए इंजी, क्या सो जाना सोफे पे, कोई वाकया बता दे कोई, मैं कह सोफे पे सो जाना इंजी सो ले, सी मैंने कहा सो जा इंजी आके, कोई नहीं कह, सोने का वाकया, सोने का तो कोई ऐसा वाकया नहीं है, लोग अभी तक, मैं जैसे पहले भी कहा कि सोचते कि बहुत सोता था इंजी, कभी भी नहीं था, बट इंजी बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ज्यादा उसका लेवल, ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, हाँ जी, खुद कम हंसता है, दूसरे हंस हंस के पागल हो जाते हैं जो बात, ये वाला एस्पेक्ट हमें इतना मालूम नहीं ना ऑडियंस को, ऑफ कोर्स जब दोस्तों में बैठते हैं, वो असल में सारी जिंदगी साथ खेले है, मेरा मतलब है, तो वो इतनी मेमोरीज हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि बंदा सारे जितने बैठे हो दोस्त सारे हंसना शुरू, ही मेक्स एवरीबॉडी लाफ, बेसिकली बिल्कुल जबरदस्त जी। वसीम भाई नेक्स्ट, नजम सेठी चेयरमैन चिड़िया रह चुके हैं, चिड़िया, हाँ उनका वो फेमस है ना, मेरी चिड़िया ने मुझे बताया, मेरे YouTube चैनल पे देखना शाम को आके। ये चिड़िया कौन है? उन्हें को ले पूछने हैं, उन्हें को ले पूछो। नजम सेठी साहब की चिड़िया। मशहूर है ज़माना चिड़िया नजम साहब की। लेकिन कौन है चिड़िया मुझे नहीं? चिड़िया। वो I think sixth sense को चिड़िया कहते हैं। No probably a person he knows। मैंने तो सर से पूछा था। मैंने असल में सर से पूछा था नजम साहब से कि सर कम से कम ये तो बता दें चिड़िया है कि चिड़ा है। ओए चिड़ा होता तो गुजरा वाले खा लेना सी। गुजरा। True that। हाँ जी। लो जी। क्या लिखा हुआ जरा गौर से पढ़े, शोएब अख्तर, अख्तर, सॉरी अख्तर लिखा हुआ, अख्तर नहीं सर, शोएब, मैं ग्लासेस नहीं लाया, शोएब अख्तर कौन है? नहीं वो मैं पढ़ा नहीं, मैं समझा एक्टर लिखा हुआ, अख्तर लिखा, गौर से पढ़ा, मैं ग्लासेस नहीं लाया, कॉपी करें ना उसका, कुछ बताएं हमें आप, वो खास अंदाज उनका बता दें आप, क्या है शोएब का खास अंदाज? कोई वो एक दफा मैं वीडियो देख रहा था, वो गप्पे बड़ी मारता है वो, तो हमारे जो पड़ोसी नेशन में वहाँ दो क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल हुआ, दो से अलग अलग ये सवाल हुआ कि सबसे ज्यादा गप्पी क्रिकेटर कौन है, तो दोनों ने शोएब अख्तर का नाम लिख दिया उसमें, सेपरेट सेपरेट, हाँ अलग अलग सवाल, अच्छा व्हाई इज दैट, आई डोंट रियली नो दैट, के आई डोंट नो, हमारा लेवल दोस्ती का नहीं रहा, वो हमसे काफी जूनियर थे, बट वो जो क्रिकेटर्स बैठे थे, अभी कराची में एक लफ्ज है उसका भी, कराची में एक और लफ्ज है, छोड़ू छोड़ू, ही इज अ छोड़ू, ओके ले जनाब नेक्स्ट, कि पूरे पाकिस्तान की नकल करानी, ओके
Bilawal Bhutto, he's a respected politician, and obviously I want to congratulate him. Sister got married. Yes. Tabar. So I don't think so. I should be making fun of our. Yeah, yeah. No, do you remember? Do you feel कोई ऐसी बात जो Bilawal Bhutto का नाम सुनके आपके ज़हन में आता है? I think on a funny note, जो उनका ये जो एक dialogue social media ने उठा दिया था, जब बारिश आती है तो पानी आता है. So I think मेरा नहीं ख्याल Bilawal ने उसको इतना seriously लिया होगा. It was quite a hit यार जुमला quite a viral जुमला. Probably उसको कोई sense हो रहा होगा. I'm not so sure. Yeah, of course. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. ले जी. जावेद मियांदाद. हाँ जावेद भाई, ये तो तुझे फिर. जावेद भाई, लेजेंडरी जावेद भाई. सर उनके स्टाइल में जरा बताएं ना मोइन भाई, उनके स्टाइल में जरा बताएं. Yeah. उनका स्टाइल नेचुरली वो थोड़ा सा आपको पता है हल्की सी जबान में उनके लड़खड़ाहट रहती है, बट जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि उनके बारे में कोई ऐसी फनी बात बताई जाए ऑन टेलीविजन, बट ही वॉज ग्रेट इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स, नो डाउट. हमने हमेशा एडमायर किया उनको. कोई फनी बात जो ग्राउंड में कभी आप एक्सपीरियंस किया उनके साथ, कोई ऐसे फनी मोमेंट? फनी मोमेंट एक बड़ा मजेदार है, वो हमारा एक ताया नजीर होता था फैसलाबाद में, उसको नजर कम आता था. अच्छा. तो ग्राउंड में बारिश हुई हुई थी, कवर्स और पड़े हुए थे, बल्कि बारिश नहीं हुई थी, फॉगी वेदर था, कवर्स पड़े हुए थे. तो जावेद भाई ग्राउंड के अंदर चले गए, तो फॉगी वेदर था, तो ताया नजीर ने ऊपर से लगाई, ओए कौन है ग्राउंड के बीच? उन्हें दूर से आवाज लगी, ताया मैं जावेद. कहता ओए केड़ा जावेद. बड़ा बड़ा मजेदार वाक्य है. जावेद मियांदाद साहब के एक वीडियो देखते हैं, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है, वो देखते हैं. वो देखिए क्या बात है यार, ये वाह. And Javed will just make his point now. Say, hang on a moment, son, and excuse me, Mr. Moray, would you mind not talking while I'm facing up? He looks angry. Have you ever seen it? And not ever. Yes, he's never stuck. Yeah, I'm Jamal. जबरदस्त यार, ये क्या था, ये एक्शन क्या है यार? वो किरण मोरे बार-बार अपील करे जा रहे थे, तो इरिटेट हो रहे थे जावेद भाई. अनॉय कर रहा, पीछे से बोल रहा था, व्हेन यू बैट, जब बैटिंग कर रहे होते हो तो कीपर उससे पहले या बाद में ड्यूरिंग द डिलीवरी नहीं बोल सकता. सो वो ड्यूरिंग द बॉल, जब बॉल कर रहा था तो वो बोल रहा था. इज इट ऑब्वियसली इज बिकॉज़ ऑफ द कंसंट्रेशन लेवल, अप डिस्टर्ब हो जाते हैं. या या, तो ही वाज अ लिटिल एंग्री अपसेट एंड देन मिमिक किया फिर उसको उसने. ये जो आवाज है ना जो चल रही थी, ये हमारी वो कहते हैं ना बचपन की जो लोरी की एक आवाज होती है ना घरों में, ये पाकिस्तान की बच्चों की लोरी है, ये क्रिकेट मैच और ये कमेंट्री और ये साउंड, इट फील्स सो ब्यूटीफुल. अच्छा जनाब आगे कहीं और निकल गए थे, कितने अभी भी काफी बाकी. मैं क्या पूरे पाकिस्तान तक राणा में रह गया. उमर अकमल यार, व्हाट अ टैलेंट ही वाज मैन. He was. Yeah, he was. Still is, I suppose. I don't know what he has done to himself. Yeah. You know, बड़ा अफसोस होता है जब किसी भी फील्ड में जब कोई टैलेंट थोड़ा वेस्ट हो जाए. But why do you think that he was or I is? I wish wasted? I had the answer of this why. वो तो उमर अकमल वगैरह ही बता सकेंगे. I suppose right decisions, सही mentors, सही मौके पे किससे मैंने advice लेनी है, क्या करना है, वो चीजें वो इसने सही मौके पे नहीं pick की. Maybe. I hope के बेचारा, I mean talent तो है भी, 27-28 साल का होगा. वसीम भाई, are you open to these things कि अगर कोई आपसे, जैसे आप उसका राबता या आपसे दोस्ती नहीं भी है, but if somebody wants to take help as a cricketer, he's new in the team, are you open to discuss? Yeah, I'm open to everyone. I can't pick and choose कि आप तेरी help करूँगा, तेरी नहीं करूँगा. I help anyone, everyone. Anybody can call you up. कोई मतलब एक distance होता ना कभी कोई. मोइन भाई, what about you? Yeah, of course, it always depend on the individual who want to learn something, you know. आप अपनी अपनी फील्ड में ये भी बिजी होते हैं, at times commentary कर रहे होते हैं, बट जिसको एडवाइस लेनी होती है वो खुद आता है चल के, उसको आना भी चाहिए और लड़कों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए. ये बिल्कुल लर्निंग किसी वक्त भी जिंदगी में हो सकती है, यू नो. सो जब इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स मौजूद हो ग्राउंड पे, तो हर बंदे को जाना चाहिए, पूछना चाहिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए. बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. और जी उल्टी पर्चियां क्यों निकल रही हैं? लाला, शाहिद अफरीदी. हाँ जी, क्या याद आता है शाहिद अफरीदी का जब नाम लेते हैं तो? लाला बूम बूम
बूम बूम एग्रेसिव है। अफरीदी का नाम आओ तो छक्का याद आता है, छक्का याद आता है, सिक्सर ऑफ कोर्स, छक्का या ऑफ कोर्स, छक्कों से याद आता है अफरीदी हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ग्रेट 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 टैलेंट, हां टैलेंट फॉर पाकिस्तान। जी हां जी, बोला जट नूरी रतो बस ओए काफी था। नहीं नहीं मैंने तो किया हुआ ये रोल हमने जियो के लिए। आपने एक वो आई रिमेम्बर दैट्स व्हाट जट बना था, नहीं मैं नूरी नत बना था और शोएब अख्तर मौला जट बना था। तो क्या उसमें एक एक्शन जो नवा है सोने, ए वी हैव द वीडियो विद अस, दिखाइए दिखाइए है मौलिया Look at you. Oh, nothing. Oh, yeah. Kamal hai. Behtareen. Yaar, how easy it is for you to act now because you've been doing this since for a long time. Yeah. It's normal. It's easy. It's normal. You see, I know my limits. हर एक को अपनी लिमिट्स पता होने चाहिए। तुम लोग जो ड्रामे करते हो पूरी पूरी रात शूट हार्ड वर्क, देन द मूवीज आर इवन टफर। यस, सो आई नो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये आधा मिनट उसमें नो, ये परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग द वे यू लुक्ड। यार वसीम मैं कैसे देखा था, जरा दिखा। मेरी बड़ी फिल्में देखी है मैंने। ये कैसे ये दवा है सोने। कूल यार, कूल। हां जी ले जी सजाद अली। हाँ देखे गाना, लेकिन सजाद अली भाई का गाना सुना दें यार। उनके गाने तो सजाद भाई का गाना को भाई, वो इतने मुश्किल सिंगर है, उनको गाना नाना। ओहो यार, हमने कौन सा तहसीन भाई को ऑडिशन थोड़ी है, तो वो भी मोइन भाई आपको ऑडिशन थोड़ी ले रहे हैं यार। एनी ओके एनी सॉन्ग दैट यू रिमेंबर सजाद अली का, मुझे मालूम है वो कौन सा याद होगा उनका गाना, आप ही सुना दें फिर। सर आप पर्ची आपकी निकली, मैं क्यों पर्ची तेरी निकली है। वो साहिल पे खड़े, वो उनका बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा। नहीं वो नहीं गुन, सीरियसली मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं एनीथिंग एल्स, कोई और सजाद अली का और बहुत गाने हैं उनके। वो क्या कर रहे हैं उस पे, वीडियो चला दें उसके साथ गुनगुना दें, फिर वी हैव गाने जी वीडियो चला दें। ये कौन सी है, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। या चीफ साहब, इट वाज सच अ बिग हिट। एक सेकंड बंद करें, ये गाना तो याद है ना आपको? क्या ये वाला गाना तो याद है, बस दो लाइंस, एक लाइन गा दें। चले चले रेडी रेडी। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। नाइस, और ये आखिरी पर्ची है, और ये वसीम भाई के हिस्से में ही देखते जाइए क्या है इस पर्ची में। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये तो बिंदास, ये तो आपका गाना है भाई, ये तो आपका वो परफॉर्मेंस है। I did that 11 years ago man, I don't even more than that probably। थोड़ा सा तो याद होगा वसीम भाई। Actually I have no idea, बड़ा मुश्किल था वो स्टेप याद करने यार। यार हम दोनों आपका साथ देंगे वसीम भाई, सिर्फ एक स्टेप बता दो उसमें था क्या। I let me see क्या वो तो नहीं था ऋतिक रोशन ऐसे कर पूछता ऐसे करके ऐसे करता प्लीज कर प्लीज भूल गया जी आई दा यार नहीं नहीं कुछ था ऐसे पता नहीं ऐसे करके था ये था बस यार इसके बाद टांगे वांगे थी अब भूल गया मैं वाह यार नाइस वेरी नाइस गाइस वसीम भाई मोइन भाई थैंक यू सो मच आई स्वेयर आई हैव डन सो मेनी शोज बट इस शो का टाइम कैसे गुजरा सेगमेंट्स कैसे गुजरे किस तरह बात हुई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ यानी कि मुझे आई हैव thoroughly enjoyed talking to both of you. Thank you and I bet we have so much to talk about kyunki ek certain limit hai lekin inshallah aapse dobara mulaqat hogi Wasim bhai before we leave would you like to say something to your fans your audience jo aapko dekh rahe hain assalam alaikum main Wasim Akram aur main Asim ke show pe aaya hu bahut enjoy kiya please dekhiyega and I wish you guys all the best and of course Asim and his whole team best of luck थैंक यू वसीम भाई थैंक यू सो मच जी मोहन भाई क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों बिल्कुल सेम मैसेज बहुत जबरदस्त शो होगा आप सब देखिएगा ये शो एसएन के शो में आए बहुत अच्छा लगा एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ जैसे वसीम भाई ने कहा इस शो में कि जिंदगी में हार्ड वर्क करते रहना है और मेहनत का फल जरूर मिलता है
जी जनाब, और हमें इजाजत दीजिए, इस बॉल पे मैं साइन कराऊंगा वसीम अकरम से और मोइन खान से, और ये बॉल मिलेगा हमारे किसी फैन को, वो फैन जो हमें देख रहे हैं, जो फीडबैक देंगे, और उसमें से हम चूज करेंगे कि ये बॉल साइन के बाद किसको मिलेगा। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट वॉच टाइम आउट विद एहसन खान। बाय बाय।